कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के रायपुर दौरे को लेकर हुई बैठक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी मजदूर श्रमिकों के साथ साइंस कॉलेज मैदान में भोजन करेंगे। इस दौरान राजीव मितान क्लब गोठान के प्रतिनिधि के अलावा देश भर के गांधीवादी चिंतक भी शामिल होंगे। राहुल गांधी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान साइंस कॉलेज मैदान में उनकी आम सभा भी होगी। 3 तारीख को हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है और उसे संदर्भ में मोहन मरकाम जी के अध्यक्षता में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई कार्यकारिणी की, जिसमें विशेष रूप से चंदन यादव जी राष्ट्रीय सचिव और साथ ही हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण उपस्थित थे। सभी प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य जिला अध्यक्ष लोग भी उपस्थित रहे और बहुत उत्साह है राहुल जी के आगमन को लेकर। और जो तीनों कार्य होने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक है। राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना को देश में पहली बार किसी प्रदेश में लागू होगा, उसकी शुरुआत माननीय राहुल जी की उपस्थिति में होगी। दूसरा जो सेवाग्राम नया बन रहा है रायपुर, नवा रायपुर में, उसके प्रति भी जो गांधीवादी विचारक हैं पूरे देश और दुनिया में एक आकर्षण का केंद्र बना है, वो बहुत उत्सुकता है। और तीसरा अमर जवान ज्योति यहाँ छत्तीसगढ़ में उसकी स्थापना की जाएगी। तो ये तीनों कार्य बहुत विशेष है। राहुल जी व्यक्तिगत रुचि लिए हैं और बड़ी प्रसन्नता भी व्यक्त किए हैं और बहुत दिनों बाद राहुल जी यहाँ आ रहे हैं, सबकी उत्सुकता उसमें है। और तैयारी यहाँ मंत्रिमंडल के लोग भी कर रहे हैं, संगठन के लोग भी कर रहे हैं। राहुल गांधी आएंगे तो क्या जो भूमिहीन मजदूर हैं उनके साथ लंच का भी प्रोग्राम? उनके साथ भोजन भी करेंगे, उसमें हमारे युवा मितान क्लब के लोग भी रहेंगे, उसमें हमारे भूमिहीन श्रमिक के साथी भी रहेंगे, हमारे गौठान समिति में कुछ महिलाएं जो काम कर रहे हैं उसमें भी रहेंगे, जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं वो लोग भी बैठेंगे और गांधीवादी विचारक जो देश भर से आएंगे वो भी साथ रहेंगे।